हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग आईपीमेट 2019 के क्वांट का लास्ट सेट सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 56 to 60। इसमें भी एक हल्की सी एरर थी, आई एम इंदौर से इसी उम्मीद नहीं थी कि वो ये एरर करेगा, लेकिन ठीक है, अब सब कॉपी पेस्ट ही करते हैं, आजकल एग्जाम में इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, जितनी देर में मैं बात कर रहा हूँ आप एरर फाइंड करके बताओ, एरर स्क्रीन पे ही आपको दिख जाएगी। और ये सोचो क्वेश्चन आया आई एम इंदौर जैसे एग्जाम में, ठीक। चलो तब तक मैं बता देता हूँ, जब तक आप ये एरर ऑब्जर्व कर रहे हो, कि अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा आई पी में 300 कोर्स नहीं लिया है वो अभी भी परचेस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कोर्स है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें लास्ट ईयर में बता रहा हूँ, आउट ऑफ 35 स्टूडेंट्स 9 का आई पी मेट इंदौर क्लियर हुआ था, ठीक है। इसमें 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे क्वांट के, है ना, जो कि आपको 10 वीडियोस के फॉर्म में मिलेंगे। हर वीडियो में 30 क्वेश्चंस रहेंगे, तो 10 × 30 300 क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है और इस वीडियो के एंड में भी पेमेंट डिटेल्स की लिंक दी हुई है, आप जाके वहाँ से पे कर सकते हैं और पेमेंट के विद इन 24 आवर्स आपको पूरी की पूरी लिंक्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ध्यान रखिएगा, आप अपने जीमेल आईडी से ही वीडियोस एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में उम्मीद है आपने एरर फाइंड कर ली होगी, है ना। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। Analyze the given data for export and imports of rubber in rupees crores from 2006 to 17. हर जगह 2006 to 17 लिखा है, बस यहाँ पे ये लोग चेंज करना भूल गए। यहाँ पे इन्होंने 1986 से 1997 ही रहन दिया, है ना। अब आई एम इंदौर रोहतक टाइप एग्जाम होते तो चलो गलती समझ में आती, लेकिन इंदौर से तो समझ में नहीं आती ना ऐसी गलती, ठीक है। खैर सॉल्व करते हैं, वो कोई इतनी भारी गलती भी नहीं है, लेकिन हाँ असली एग्ज़ाम में अगर स्टूडेंट्स चाहें तो क्वेश्चन हो सकता है कैंसिल भी हो, ठीक। चलो खैर उस पर डिस्कस नहीं करते हैं, कोई बात मतलब का नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट फॉर द गिवन पीरियड 2006 to 17, है ना। एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट पूछ रहे हैं। देखो अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है तब तो आप सट कैलकुलेटर से ही कर डालो, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, है ना। नहीं तो कई आस में आप देखोगे वो जबरन एज्यूम कर रहे हैं ये वो अभी हम भी करेंगे, लेकिन अगर कैलकुलेटर अलाउ है तो आप बिना कुछ एज्यूम किए खटखट ये टाइप करो और डिवाइडेड बाय जितने भी ईयर से 1 to 12 से डिवाइड कर देना, ठीक है। ठीक है, विदाउट कैलकुलेटर कैसे सॉल्व करेंगे, आप कोई भी एक मन से एवरेज मान लो। देखो सब है ये 200 के आसपास, तो मैं एवरेज 200 ही मान लेता हूँ, सबको चेक करता हूँ, या और क्लोज मानना है 250 मान लो, 250 से सबको कंपेयर करता हूँ। ये है जैसे 280, है ना, 30 ज़्यादा है तो प्लस 30 लिख दिया, ये भी 30 ज़्यादा है तो प्लस 60 हो गया। ध्यान से सुनना, ये तो 30 है ना, 250 से 20 कम है तो 60 माइनस 20 क्या हो गया, 40 हो गया, है ना। फिर ये 210 है, ये भी 40 कम है, 40 कम है, 40 माइनस 40 जीरो हो गया, यहाँ तक कोई भी चेंज नहीं है। अब ये देखो ये है 200, 50 कम है तो माइनस 50 लिख दो, फिर ये कितना है 220, ये कितना कम है 30 कम है तो माइनस 80 हो गया, 50 और 30 80 हो गया। ये कितना कम है 40 कम है तो माइनस 120 हो गया, ठीक है। अब ये 200 200 200 मतलब 50 कम है, 150 और कम हो गया तो माइनस 150 कर दो तो 270 अभी तक कम हो चुका है ना। फिर ये कितना है 220, 220 मतलब 30 और कम हो गया, मतलब माइनस में 300 आ चुका है, ठीक है। और ये आखिरी 50, तो माइनस में 350 हो चुका है। वैल्यूज कितनी थी 12, तो 350 को 12 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, इलेवन, है ना, 29 अप्रॉक्स कम कर दो, 250 माना था आपने, 29, अच्छा फिगर इसमें है तो आप 29 की जगह 30 कम कर दो तो 220 आएगा। तो अप्रॉक्सीमेट इन्होंने पूछा तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 220। ऐसे करते हैं जल्दी बिना कैलकुलेटर के, उम्मीद है तरीका समझ में आ गया होगा, है ना। और जिनको ये तरीका नहीं समझ में आया वो तो फिर नॉर्मल क्या करो, हर ईयर की वैल्यू लो, ऐड करो, डिवाइडेड बाय 12 करो। तो दो तरीके थे, एक आम तरीका और एक मेंटोस तरीका, जो पसंद है उससे कर लो, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द परसेंटेज डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट ड्यूरिंग 2006 to 11। पहले 6 to 11 देख लेते हैं, परसेंटेज डिक्लाइन कितना है, 6 में है 280,
11 में 220, 60 कम हुआ आउट ऑफ 280, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3/14 आएगा, 3/14। दूसरा देख लेते हैं, 12 to 17, 12 में कितना है 210 और 17 में है 200, है ना। तो 10 आउट ऑफ 210, इससे एक है 1/21। इसको अच्छे से सॉल्व करें तो ये 3/40 को मैं 9/42 लिख सकता हूँ और 1/21 को 2/42। डिफरेंस देख लो क्या आएगा, 7/42। 7/42 मीन्स 1/6। 1/6 क्या होता है, 16.66, ऑप्शन ए 16.5। कितना आसान था, बस फ्रैक्शन आपको याद होने चाहिए और शुरुआत में परसेंटेज निकालते नहीं बैठना, जब पूरा सॉल्व हो जाए उसके बाद परसेंटेज में। तो देखो एक एक मिनट के अंदर के सब क्वेश्चन थे, है ना। ये तो ओरली था, 58 तो ओरली है। मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैक्सिमम डिफरेंस देख लो किस में दिख रहा है ना। देखो शुरुआत के तो ये सब छोटे छोटे से हैं, मैक्सिमम दिख रहा है तो एक ये आप ले सकते हो, उसमें देख लो कितने का, 1, 2, 3, 4, 5, 5 × 20, 20 की एक बार, 20 × 5, 100, और ये 10, 110 इसमें आ रहा है। इसमें देख लो ये भी 110, ये तो कम ही होगा। इसमें देख लो 1, 2, 3, 4, 5 और आधा इधर, आधा इधर, 6 हो गया टोटल। ये 120 आ रहा है अभी तक सबसे ज़्यादा यही है। देखो ये भी 120 से कम होगा, ये भी कम है, ये भी कम है, हाईएस्ट क्या 120। ओरल था, इसे क्या करो, ऐसा नहीं एक एक का पूरे निकालते बैठ रहे, ठीक है। तो ये सी 58 का क्या हो जाएगा, सी, ठीक। अब 59 देख लेते हैं, 59 बैलेंस ऑफ ट्रेड इज डिफाइंड एज इम्पोर्ट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्सपोर्ट, इन एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक ऑफ 3 ईयर्स विटनेस द लार्जेस्ट एवरेज नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। एक है ब्लॉक 7 to 9 का, एक है 7 to 9 का, पहले अपन ब्लॉक ऊपर वो कर लेते, 15 से 17, 14 से 16, 10 to 12, ठीक है। पूछा क्या है, लार्जेस्ट एवरेज नेगेटिव बैलेंस, मतलब इंपोर्ट ज्यादा हो एक्सपोर्ट से, ठीक है। देखो 10 to 12 में तीनों में इंपोर्ट बहुत ही ज्यादा है, तो एक 10 to 12 हो सकता है। इसके कंपैरिजन में देखो 7, 8, 9 तो होंगे नहीं, तो 7, 8, 9 को आप चेक ही मत करो, एग्जाम में जल्दी करने के तरीके आ रहा हूँ। फिर 15, 16, 17 में भी दिख रहा है, लेकिन 14, 15, 16 में उससे ज़्यादा दिख रहा है, तो 15, 16, 17 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 10, 11 और 12 देख लो, है ना। इम्पोर्ट इसमें कितना ज़्यादा है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये आधा, यानी 110 का इधर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। फिर इधर कितना आ रहा है, 1, 2, 3, 60 और 10, 70, और इधर 1, 2, 3, 4, 5, ये भी 110, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, 220 और 70, 290, इधर 290 लिख लिया। आगे पढ़ो 14, 15, 16 देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये आधा था, 120 इधर, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 110 इधर, लेकिन इधर बहुत ही कम हो गया, सिर्फ 20 + 10, 30, तो कितना हो गया देखो, 120 और ये हो जाएगा 140, तो ये हो जाएगा 260। 290 ज़्यादा है, तो हाईएस्ट जो नेगेटिव में था ये 10 to 12 है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्लियर। 60 देख लेते हैं, परसेंटेज इंक्रीजिंग इंपोर्ट और द प्रीवियस ईयर, मैक्सिमम पूछा है कब होगा, ऑप्शन के हिसाब से करो, 9 to 10, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या, 9 to 10, पूछा क्या है क्वेश्चन, इंक्रीज इन इंपोर्ट, है ना, इंपोर्ट वाला खाली वाला बॉक्स है 9 to 10। ये हुआ 280 से 310, मतलब 30 का इंक्रीमेंट हो गया, 30 इंक्रीमेंट हुआ है 280 पे, तो 30/280 लिख लो। ए ऑप्शन क्या, 30/280। बी ऑप्शन 10 से 11 में देख लो, इसमें तो डिक्रीज हुआ है, इसको छोड़ दो,
13 से 14 में देख लो। थर्टीन से फोर्टीन में ये 10 और 10 20 का इंक्रीमेंट हुआ है 300 से, है ना। तो ये तो वैसे ही कम है, इसको भी इग्नोर करो, ये हो नहीं सकता, ये है नहीं। डी ऑप्शन 8 to 9 देख लो, ये भी 20 का इंक्रीमेंट हुआ है किस पे, 260 पे। तो 20 by 260, अब देखो सॉल्व करो तो ये आएगा 3 by 28 और ये है 2 by 26, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, या इसको आप लिख लो 1 by 13 भी। 1 by 13 7.69 होता है, ठीक है। अब 1 by 28 देखना, 1 by 28 तो 3 point something होता है, इंटू 3 9 point something आना है, ये तो क्लियर है ना। और अगर 9 point something आना है मतलब यही वैल्यू ज़्यादा होगी, ऑप्शन ए, ठीक। ऐसे ओरल किया जाता है विदाउट एनी कैलकुलेटर, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसी के साथ आई पी मेट के हमारे पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, ठीक है। अभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आगे और ले लेंगे, है ना। और मेरी अभी भी आपसे एक बात है, अगर आप लोग आई पी मेट 300 कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो उसमें आप डिले मत कीजिए, है ना। काफ़ी इफेक्टिव कोर्स है जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।